नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 16 अगस्त। चलिए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। बिहार में कोविड 19 प्रभावितों की संख्या पहुंची 1 लाख के पार। बिहार में कोविड 19 प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बीते पिछले 24 घंटे में 3,536 नए मामलों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद संक्रमितों की कुल संख्या 1,01,906 पर पहुंच गई है। अगर हम प्रभावित जिलों की संख्या की बात करें तो अररिया में 72, अरवल में 20, औरंगाबाद में 62, बांका में 35, बेगूसराय में 139, भागलपुर में 54, भोजपुर में 70, बक्सर में 85, दरभंगा में 69, पूर्वी चंपारण में 157, गया में 138, गोपालगंज में 46, जमुई में 9, जहानाबाद में 89, कैमूर में 43, कटिहार में 151, खगड़िया में 45, किशनगंज में 40, लखीसराय में 40, मधेपुरा में 122, मधुबनी में 187, मुंगेर में 56, मुजफ्फरपुर में 166, नालंदा में 71, नवादा में 38, पटना में 493, पूर्णिया में 152, रोहतास में 73, सहरसा में 115, समस्तीपुर में 52, सारण में 100, शेखपुरा में 66, शिवहर में 12, सीतामढ़ी में 138, सिवान में 64, सुपौल में 69, वैशाली में 51, पश्चिम चंपारण में 141। वहीं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बीते शाम 4 बजे तक जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार बिहार में कुल मिलाकर 68,675 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं कोविड 19 से अब तक 515 लोगों की जान जा चुकी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की राज्य के सरकारी शिक्षकों को तोहफा देने की तैयारी। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के गांधी मैदान से झंडोत्तोलन किया था। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में राज्य के सरकारी शिक्षकों के लिए बड़ा ऐलान किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि शिक्षकों के लिए नए नियमावली लाई जाएगी। पंचायती राज के तहत नगर और पंचायती राज के जो भी शिक्षक है उन्हें कर्मचारी भविष्य योजना के तहत लाया जाएगा। यह इस काम को पूरा करने के लिए नियमावली बन रही है, जो 21 दिनों में पूरा होने की उम्मीद जताई गई है। इसके साथ ही उन्होंने इंटर में शिक्षक नियुक्ति के लिए जल्द से जल्द काम करने का ऐलान किया है। राज्य में 33,916 शिक्षकों का पद सृजित किया जा रहा है। वहीं जल्द ही राज्य के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने की नीति भी लाई जाएगी। बाढ़ के बीच दिखा एसएसबी जवानों का राष्ट्रप्रेम। भारत नेपाल सीमा के सरहद पर तैनात एसएसबी जवानों ने बाढ़ के पानी में झंडोत्तोलन बीते दिन किया था, साथ ही देशभक्ति का मिसाल भी कायम किया है। बाढ़ के पानी में राष्ट्रप्रेम का जोश बिहार के बगहा में देखने को मिला, जहां बाढ़ के पानी से घिरे एसएसबी जवान ने तिरंगे को सलामी दी है। वहीं मिली जानकारी के अनुसार गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद तकरीबन 1 सप्ताह में टोला स्थित एसएसबी कैंप में बाढ़ का पानी घुस गया है और जवान परेशान है। बावजूद इसके देशभक्ति का जज्बा और जोश कम नहीं हुआ है, जिसके तहत बीते दिन एसएसबी 21वीं बटालियन के बीओपी में एसएसबी जवानों ने बाढ़ के पानी में खड़े होकर झंडोत्तोलन किया। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुजफ्फरपुर में निकाली गई भव्य तिरंगा यात्रा। मुजफ्फरपुर शहर में रामगढ़ परिवार द्वारा बीते दिन स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भव्य रूप से 251 फीट की तिरंगा यात्रा निकाली गई थी। यह तिरंगा यात्रा शहर के सिकंदरपुर चौक से सरायगंज टावर चौक पर होते हुए वापस सिकंदरपुर चौक पर आकर समाप्त हुई। आपको बता दें, हर साल गणतंत्र दिवस और स्वतंत्र दिवस के मौके पर रामगढ़ परिवार द्वारा यह तिरंगा यात्रा निकाली जाती है, जो शहर के विभिन्न चौक चौराहे से गुजरती है। वहीं इस बार कोविड 19 के कहर के कारण यह तिरंगा यात्रा सिर्फ सरायगंज टावर चौक से वापस लौट आई है, जिसमें दर्जनों की संख्या में युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। बिहार के स्कूलों में देशभर के छात्र ले रहे हैं एडमिशन। देशभर के छात्र बिहार के स्कूल में एडमिशन लेने की होड़ लगा रहे हैं। वहीं साल 2019 राज्य बोर्ड के छात्रों ने बिहार बोर्ड में दिलचस्पी दिखाई है। वैसे 26 राज्य बोर्ड के छात्र 11वीं में एडमिशन के लिए आवेदन कर चुके हैं। हालांकि अब बिहार बोर्ड में बदलाव देखने को मिल रहा है। बिहार बोर्ड में परिवर्तन के बाद न सिर्फ परीक्षा का पैटर्न बदल गया है, बल्कि पूरी व्यवस्था में सुधार कर लिया गया है। बोर्ड देश के टॉप बोर्ड में शामिल हो गया है, जिसको देखते हुए शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा ने खुशी जाहिर की है। पटना सहित पूरे बिहार में बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की जताई गई संभावना। बिहार में बारिश का आसार लगातार देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग की तरफ से जारी किए गए पूर्वानुमान के अनुसार बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जिसके प्रभाव से पटना सहित बिहार के विभिन्न इलाकों में बारिश हो रही है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 16 अगस्त तक मानसून के सक्रिय होने की पुष्टि की गई है। खासकर राज्य के दक्षिण पूर्व भारत में अधिक बारिश की संभावना जताई गई है। उत्तर और मध्य बिहार में भी बारिश जारी रहेगी। अगस्त के अंत तक बिहार में 1000 मिलीमीटर तक बारिश होने की संभावना जताई गई है। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना ने लिया अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास। भारतीय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना ने बीते दिन संन्यास का ऐलान कर दिया है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है, जिसके बाद क्रिकेट में महेंद्र सिंह धोनी और रैना के प्रशंसकों को करारा झटका लगा है। आपको बता दें, महेंद्र सिंह धोनी पूर्व भारतीय कप्तान है और उन्हें देश के सफलतम कप्तानों में गिना जाता है। वहीं सुरेश रैना की बल्लेबाजी को आज तक लोग याद रखते हैं। वहीं धोनी खेल के अलावा अपने व्यवहार और सूझबूझ को लेकर भी काफी मशहूर थे।
बिहार के 16 जिले में बाढ़ ने बढ़ा रखी है लोगों की परेशानी। बिहार के 16 जिले में बाढ़ ने परेशानी बढ़ा रखी है। मिली जानकारी के अनुसार बाढ़ की वजह से लाखों की आबादी त्रस्त है। सरकारी मदद के बावजूद उत्तर की क्षतिपूर्ति नहीं दिखाई दे रही है, जिसके बाद बिहार में सीतामढ़ी, शिवहर, सुपौल, किशनगंज, दरभंगा से मुजफ्फरपुर, साथ ही गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, खगड़िया, सिवान, मधुबनी, मधेपुरा और सहरसा में बाढ़ का पानी घुस गया है। बिहार में 130 प्रखंड में बाढ़ ने परेशानी और ज्यादा बढ़ा दी है, जिसके बाद कुल मिलाकर 1310 पंचायत के 81,18,000 लोग प्रभावित है। वहीं बाढ़ की वजह से अब तक 25 लोगों की जान जा चुकी है और 75 मवेशियों ने भी अपनी जान गंवा दी है। चिराग पासवान ने बिहार के विकास के मुद्दे को हमेशा उजागर करने का किया दावा। लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान द्वारा बीते दिन पार्टी के राज्य कार्यालय में झंडा फहराने के बाद नेताओं के साथ की गई बैठक के बाद उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बिहार के विकास के मुद्दों को मैं उठाता रहूंगा। अगर ऐसा किसी को तकलीफ हो रही है तो मुझे उसकी चिंता नहीं है। चिराग ने कहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय होना चाहिए, उसमें बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का लोजपा के कार्यक्रम को रखना चाहिए। सुशांत सिंह राजपूत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर हुआ बड़ा खुलासा। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में जब से सीबीआई की चहलकदमी बढ़ी है तब से नई बातों का खुलासा हर दिन होता जा रहा है। वहीं इस मामले में अब सुशांत सिंह राजपूत के पिता केके सिंह के वकील विकास सिंह ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर चौंकाने वाला खुलासा किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की जो रिपोर्ट मुझे देखने को मिली है उनमें उनके जान जाने के समय को मेंशन नहीं किया गया, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इसी से स्पष्ट हो सकता है कि उनकी जान लटकने की वजह से गई है या फिर उन्हें लटकाकर उनकी जान ली गई है। केंद्रीय विश्वविद्यालय की रैंकिंग में दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय 15वें स्थान पर। दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी की गई सूची में बिहार में सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया है। साझा की गई जानकारी के अनुसार CUSB को 15वां स्थान प्राप्त हुआ है। विश्वविद्यालय के जनसंपर्क पदाधिकारी मोहम्मद मुदस्सिर आलम ने बताया है कि शिक्षा मंत्रालय ने देश के विभिन्न राज्यों में स्थित 40 केंद्रीय विश्वविद्यालयों की ग्रेडिंग और स्कोरिंग पर विस्तृत अध्ययन के बाद रैंकिंग लिस्ट जारी कर दी है। यूएसडी की रैंकिंग में निर्धारित 100 अंकों में 63 अंक मिले हैं। कुलपति प्रोफेसर हरीश चंद्र सिंह राठौर, सचिव कर्नल राजीव कुमार सिंह ने इस उपलब्धि के लिए विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों, विद्यार्थी और कर्मचारियों को बधाई दी है। साथ ही उन्होंने बताया है कि शिक्षा मंत्रालय की रैंकिंग में सम्मानजनक स्थान मिलना हम सब के लिए प्रसन्नता की बात है। तेज प्रताप यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिया निशाने पर। आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए बिहार में राजनीति जोर शोर से देखने को मिल रही है। राजद नेता तेज प्रताप यादव ने बीते दिन इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया है, जिसके तहत उन्होंने अपने ट्विटर पर फोटो शेयर करते हुए तेज प्रताप यादव ने लिखा कि तिरंगा हमेशा किसी किले के प्राचीर से नहीं फहराया जाता, कई दफा कमर तक और गले तक बाढ़ के पानी में भी घुसकर फहराया जाता है। यह तस्वीर बिहार के दरभंगा जिले की बरौली प्रखंड के बरौली पंचायत के लांग फैराद टोला के आंगनबाड़ी केंद्र की है। झंडा फहराने वाली आंगनबाड़ी सेविका है। सलाम। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे नीतू चंद्रा की। नीतू चंद्रा एक अभिनेत्री, प्रोड्यूसर और थिएटर आर्टिस्ट है, जिनका जन्म बिहार की राजधानी पटना में 20 जून 1984 को हुआ था। नीतू चंद्रा एक क्लासिकल डांसर भी है और एक स्पोर्ट्स पर्सन भी है, जिन्होंने बास्केटबॉल का प्रमोशन NBA और ताइक्वांडो के एसोसिएशन के साथ किया था। नीतू चंद्रा का खुद का एक प्रोडक्शन हाउस भी है, जिसका नाम चंपारण टॉकीज है, जहां पर बनाई गई फिल्म मिथिला मखान को नेशनल अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। इस फिल्म को नीतू चंद्रा के भाई नितिन चंद्रा के निर्देशन में बनाया गया था। आपको बता दें, नीतू चंद्रा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजधानी पटना के नोटरडम एकेडमी से की थी। उन्होंने काफी पहले से ही मॉडलिंग का काम शुरू कर दिया था, जिसके बाद उन्हें कई सारे विज्ञापन और वीडियोस में भी काम करने का मौका मिला था। इतना ही नहीं, नीतू चंद्रा ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट होल्डर है, जिन्होंने 1997 में हांगकांग में आयोजित वर्ल्ड ताइक्वांडो चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। वन रेंजर अधिकारियों के पद पर निकाली गई रिक्तियां। बिहार पुलिस ने 43 फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर पदों के लिए आवेदन की मांग की है, जिसके तहत बिहार सरकार पर्यावरण और वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अंतर्गत साल 2020 में वनों के क्षेत्र पदाधिकारी के रिक्त पदों पर नियुक्ति की सूचना जारी की गई है, जिसके लिए सभी अभ्यर्थी 16 सितंबर तक आवेदन करने की मांग की गई है। साथ ही यह भी बताया गया है कि उक्त पदों पर चयन के लिए बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा अभ्यर्थियों से ऑनलाइन प्राप्त किया जा रहा है। वहीं इन पदों के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पशुपालन, पशुओं की वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, विज्ञान, गणित, भौतिक, सांख्यिकी और जूलॉजी या BCA डिग्री के साथ विज्ञान में डिग्री धारक अभ्यर्थी BPSSC के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार ने अपनी प्रतिभा को पहचानने और उसे निखारने पर मेहनत करने की दी नसीहत। सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार ने ब्लॉग पोस्ट के माध्यम से सभी छात्रों को दो टूक नसीहत दी है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि सभी छात्र को विपरीत परिस्थितियों में जीत की कहानी लिखने का गुण आना चाहिए, अपनी प्रतिभा को पहचानने और उसे निखारने पर मेहनत करना चाहिए। आनंद कुमार का कहना है कि नंबर सिर्फ एक आंकड़े से ज्यादा कुछ नहीं होते, दुनिया के किसी भी नंबर में वो ताकत नहीं है जो किसी छात्र के हुनर और उसकी काबिलियत की सही सही गवाही दे सके। छात्र को सिर्फ मार्क्स के आधार पर उनके वजूद को
को आंकने की भूल माता पिता को नहीं करनी चाहिए। ऐसा करके आप अपने बच्चे के साथ निहित संभावनाओं को खत्म कर देते हैं। बिहार के युवाओं ने संपर्क भारत ऐप से की वीडियो संवाद की राह आसान। बिहार के युवाओं ने संपर्क भारत ऐप की शुरुआत की है। चाइनीज ऐप्स पर लगाए गए प्रतिबंध के बाद देश भर में देसी ऐप की डिमांड बढ़ गई थी। ऐसे में कोविड-19 के दौरान वर्चुअल मीटिंग हो या वीडियो संवाद, सभी के लिए इस ऐप की तलाश शुरू कर दी गई थी। मगर अब बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के रहने वाले संतोष एंड टीम ने ऐसी देसी ऐप बनाई है जो एक बार में 170 लोगों के साथ मीटिंग करने में सक्षम है। ऑनलाइन मीटिंग में इस स्वदेशी ऐप पहचान देने का ख्वाब रखने वाले संतोष श्रीवास्तव और उनकी टीम ने दिन रात करके संपर्क भारत ऐप का निर्माण किया है, जिसके तहत उनका विज्ञापन भी नहीं आएगा और इस ऐप को पूरी तरीके से फ्री में डाउनलोड किया जा सकेगा। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की दूसरी पुण्यतिथि पर भाजपा दफ्तर में आयोजित होगी श्रद्धांजलि सभा। आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की दूसरी पुण्यतिथि पर भाजपा दफ्तर में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन करवाया जाएगा। भाजपा के दिग्गज नेता रहे वाजपेयी की पुण्यतिथि पर बिहार भाजपा के प्रदेश कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा लगाई जाएगी। भाजपा पटना महानगर के द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की दूसरी पुण्यतिथि पर अटल सागर भाजपा प्रदेश कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन करवाया जाएगा। कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री राम माधव शिरकत करने वाले हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना म्यूजियम के विस्तार करने की कही बात। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिन पटना के गांधी मैदान से अपने संबोधन में कहा है कि पटना म्यूजियम जो पहले का है उसको भी विस्तार करने की जरूरत है, जिसकी स्वीकृति जारी कर दी गई है। उन्होंने मुख्य सचिव को निर्देश देते हुए साफ तौर पर कहा है कि मेरी इच्छा है कि बिहार म्यूजियम पटना म्यूजियम को अंडरग्राउंड जोड़ दिया जाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव आए एक दूसरे के आमने सामने। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीते दिन झंडोत्तोलन किया, जहां पर उन्होंने समस्त बिहारवासियों को शुभकामनाएं भी दी है। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भाषण को लेकर भी अपना बयान उन्होंने जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भाषण में आज कुछ नया नहीं था। स्वतंत्रता दिवस है और उस पर मैं आज राजनीति नहीं करना चाहता। वहीं उन्होंने मुख्यमंत्री के उस बयान का भी जिक्र किया है, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि वो कुछ नहीं जानते हैं, सिर्फ ट्वीट करते रहते हैं, लेकिन आपको तो पता ही है कि राजद का शुरू से ही लोगों की सेवा करने का धर्म रहा है। लोजपा सांसद चंदन सिंह ने एक बार फिर से विधानसभा चुनाव के आयोजन को लेकर दी अपनी प्रतिक्रिया। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जदयू और लोजपा के बीच में तनातनी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। जदयू के अध्यक्ष चिराग पासवान के रवैये को देखते हुए लोजपा ने बीते दिन बैठक का आयोजन करवाया था। बैठक के बाद लोजपा सांसद चंदन सिंह ने कहा कि सीटों को लेकर अभी फिलहाल कोई भी चर्चा नहीं की गई है। लोजपा एनडीए गठबंधन का हिस्सा है और फिलहाल गठबंधन में बना रहेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव का आयोजन करवाना हमारी प्राथमिकता नहीं है, पहले जनता की सुरक्षा ही लोजपा की प्राथमिकता है। रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने मुख्यमंत्री पर दागे सवाल। रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कई सवाल किए हैं, जिसके तहत उन्होंने बिहार में पढ़ाई चौपट होने को लेकर नीतीश सरकार पर बड़ा पॉलिटिकल आरोप लगाया है। उन्होंने ट्वीट कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को खूब खरी खोटी भी सुनाई है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री का भाषण झांसों से भरा हुआ था। 15 साल में शिक्षक, डॉक्टर, नर्स, इंजीनियर और अन्य पदों पर बहाली या तो नाके बराबर हुई है या बेकार हुई है, जिसके फलस्वरूप आज व्यवस्थाएं पूरी तरीके से चरमरा गई है। जब गिनती के दिन बचे हैं तो भारतीयों के नाम पर हवाबाजी कर रहे हैं। अश्विनी कुमार चौबे ने नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत स्वास्थ्य के क्षेत्र में परिवर्तन लाने की कही बात। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन लेकर आएगा। स्वास्थ्य संबंधित एवं इससे जुड़ी सभी सूचनाएं आसानी से प्राप्त की जा सकेगी। उन्होंने आगे कहा कि ऐसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में परिवर्तन आएगा, प्रत्येक देशवासियों का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा, उसके माध्यम से पूरा मेडिकल रिकॉर्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की रांची में धोनी के फेयरवेल मैच की अपील। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने महेंद्र सिंह धोनी की तरफ से संन्यास लेने के बाद रांची में धोनी के फेयरवेल मैच के आयोजन को लेकर बीसीसीआई से अपील की है। माही के रिटायरमेंट की खबर से उनके होम टाउन रांची में उनके फैंस काफी ज्यादा भावुक नजर आए हैं। वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट करके कहा है कि देश और झारखंड को गर्व और उत्साह के अनेक क्षण देने वाले माही ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। हम सबके चहेते झारखंड का लाल माही को नीली जर्सी पहने अब नहीं देख पाएंगे, पर देशवासियों का दिल अभी भरा नहीं है। मैं मानता हूं माही का एक आखिरी मैच रांची में हो, जिसका गवाह पूरा विश्व बनेगा। कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली ने सुशांत सिंह राजपूत को किया सम्मानित। बीते दिन 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सुशांत सिंह राजपूत को एक नए सम्मान से सम्मानित किया गया है। इस खास दिन के मौके पर बीते दिन कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली ने सुशांत सिंह राजपूत को सम्मानित किया है। मिली जानकारी के अनुसार सुशांत को सिनेमा और समाज में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। उनके इस पुरस्कार को उनकी बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने उनकी तरफ से लोगों के साथ साझा किया है, जिसके तहत श्वेता ने सुशांत के नाम पर लिखे एक सर्टिफिकेट के साथ एक फोटो ट्वीट कर लिखा है कि कैलिफोर्निया ने भारत के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मेरे भाई सुशांत सिंह
राजपूत के समाज में योगदान की सराहना की है। कैलिफोर्निया, आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। इंस्टाग्राम अब करेगी संदिग्ध अकाउंट से आईडी प्रूफ की मांग। फेसबुक के स्वामित्व वाली फोटो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम ने इस बात की घोषणा की है, जिसके तहत इंस्टाग्राम ने साफ तौर पर कहा है कि अब कंपनी संदिग्ध अकाउंट से आईडी प्रूफ मांग सकती है। एक ब्लॉग पोस्ट में कंपनी ने कहा है कि हम किसी अकाउंट में संभावित संदेहास्पद एक्टिविटी का पैटर्न पाए जाने पर उस अकाउंट होल्डर से आइडेंटिटी प्रूफ करने की मांग कर सकते हैं। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है खेसारी कीर्ति, ऑफिशियल बिट्टू कुमार, जोगेश्वर मंडल, अमरेश कुमार, मुकेश कुमार, राहुल कुमार, शैलेंद्र तिवारी, विकास कुमार, पूजा कुमारी, ऑफिशियल किशन यादव, अखिलेश शर्मा, विकास कुमार, योगेंद्र यादव, राकेश कुमार, जेपी कुमार, शिवाकांत। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और ऑलराउंडर खिलाड़ी सुरेश रैना द्वारा संन्यास लेने पर आप क्या कहना चाहेंगे? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा यूट्यूब पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारा फेसबुक पर देख रहे हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।